तो अपने वर्डप्रेस साइट को सिंपल तरीके से गूगल एनालिसिस के साथ लिंक करने के लिए मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में गूगल एनालिटिक्स ओपन कर दीजिए, सर्च गूगल एनालिटिक्स ऑन योर ब्राउज़र। जैसे ही आप सर्च करेंगे, गूगल की जो वेबसाइट है ऑफिशियल आ जाएगा, उसके ऊपर अपने कोई भी अकाउंट गूगल अकाउंट से लॉगिन कर दीजिए। आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपको सामने डिस्प्ले दिखेगी, वेब पेज दिखेगा, होम पेज, उसमें स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हमारी वेबसाइट अपनी वेबसाइट का थोड़ा डेटा पूछेंगे वो लोग, तो अपना अकाउंट नेम डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। और जिसको जिसके लिए आपको चूज़ करना है एप्लीकेशन या वेबसाइट के लिए वो चूज़ कीजिए। हमको वेबसाइट के लिए चूज़ करना है तो हम वेबसाइट को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट करके जो वेबसाइट का नाम है और जो वेबसाइट का URL है वो एंटर करिए। अपने वेबसाइट के आप पीछे .com या .in का एक्सटेंशन लगाइए। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करके कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमें अपना कंट्री के टाइम से रिपोर्टिंग मिल रहा है। और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने दूसरा एक पेज ओपन होगा जो हमारा मेन पेज होगा गूगल एनालिटिक्स का। उसमें जो राइट साइड गूगल जो कोड है, जैसे कि आप देख सकते हो जो पूरा कोड है वो हमें कॉपी करना है और उसको हमारी व्हाट्सएप साइट से लिंक करवाने का है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने वर्डप्रेस साइट के डैशबोर्ड में चले जाइए। उसके ऊपर अपीयरेंस पे क्लिक करके थीम एडिटर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो वेबसाइट का पूरा कोड है वो आ जाएगा। और राइट साइड बार में जो थीम एडिटर नाम का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे हेडर का जो कोड आ जाएगा। उसके बाद हेड सेक्शन है कोडिंग में, जो हेड और क्लोज हेड सेक्शन है उसके बीच हमें अपने कोड को पेश करना है जो हमने कॉपी किया था। तो हेड और हेड के बीच कहीं भी आप कर सकते हो, हेड के एकदम नीचे भी कर सकते हो और लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कोड को कॉपी कर दिया है। अब जैसे ही कोड कॉपी करके आप अपडेट करोगे तो हमारा जो वर्डप्रेस साइट है वो लिंक हो जाएगा और आपको थोड़े दिन में और थोड़े घंटे में आपको अपनी ट्रैफिक दिखने को मिलेगी अपनी वेबसाइट पे। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब द माय चैनल, लाइक द वीडियो।